एंजॉय क्या कर रहे हो बताओ? कैसे एंजॉय किया जाता है? कैसे एंजॉय किया जाता है हमें अपनी लाइफ में खुश रहकर? तुम बताओ तुम्हारी इस बॉडी की वजह क्या है? तो नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कुछ कमी है, बहुत जल्द इंशाल्लाह कोई विटामिन की कमी है, कुछ क्या हुआ है? जिम की जरूरत है। टिकटॉक पर आप आई, ठीक है, कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे 1.2 मिलियन। ओके, कहाँ से आते हैं ये लोग? कैसे आते हैं? टैलेंट से। हाँ, टैलेंट से। क्या है टैलेंट, मुझे बताओ, एक छुपा हुआ टैलेंट बताओ। पहले तो ये 2 साल की जर्नी है मेरी टिकटॉक पे, उससे पहले तो मतलब मैं कुछ भी नहीं बनाती थी, नहीं था। मतलब टैलेंट था, हिडन था। तो कौन अंदर जाकर किसने बाहर निकाला? कोई अंदर गया था? वो खुद ही निकालता है। ओके, वो तुम खुद अंदर घुसी? ये टैलेंट नहीं, टैलेंट आ गया हाथ में, टैलेंट आ गया, फिर समझ आया कि हाँ भाई ये भी कर सकता है। उसके बाद 2 साल की जर्नी, लड़का है ये भी कर सकता है, कर सकते हैं, मतलब सबकी बात कर रही हूँ कि सबके अंदर एक ना एक टैलेंट होता है जरूर। नो डाउट। तो फिर ये आप तो चुप रहे, आप इग्नोर मोड पर है, यू आर ब्लॉक्ड। ये बात कर रही है, लेट द गर्ल टॉक, चलो वो हमें खुद से निकालने का एक टैलेंट। आप डीप बहुत जा रही हैं। हाँ बताओ। तो फिर ऐसे ही खुद में सब में एक टैलेंट होता है, इंसान वो देखता है अपने अंदर से टैलेंट, फिर वो उसको पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर भी टैलेंट है, और फिर वो आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है उस पे। और ये था कि पहले मैं एक मेडिकल फील्ड में थी। ओह वाओ। उसके बाद मेरा एडमिशन भी यूनिवर्सिटी में हो गया था मेडिकल फील्ड में, लेकिन जब मेरी फील्ड ही बहुत चेंज हो गई है, तो फिर मैंने इस फील्ड के हिसाब से, मुझे फैशन डिजाइनिंग आर्ट का भी बहुत शौक था। ओह वाओ, सुई से हम दर्जी की सुई पर चलेंगे। व्हाई? दर्जी के नहीं, इसमें टेक्सटाइल भी कर रही हूं। सिर्फ फैशन नहीं, इतना बड़ा जंप, इट्स अ वेरी बिग जंप। बचपन में ऐसे कितना आर्ट का शौक था, मैं जब बचपन में डॉक्टर खेलती थी आप? बचपन वो भी खेलती थी, मुझे मुझे मतलब कुछ न्यू चीजें ट्राई करने का शौक था, एडवेंचर करने का शौक था, और नई नई चीजें ट्राई करने का शौक था। तो इस हिसाब से पहले ना मुझे आर्ट का शौक था बचपन में, जब मैं 5th क्लास में थी ना, मैं आर्ट की चीजें क्लैक करके अपने पास रख लेती थी बचपन में, ऐसा शौक था। उसके बाद जैसे स्कूल से, स्कूल में जो चीजें होती है ना, वो लाके मैं अपने पास रख लेती थी। ओह वाओ, स्कूल से चोरी करती थी? मतलब ऐसे मैं वो क्लैक करने का मुझे शौक था, पेंट्स वगैरह। फिर जैसे मैं बड़ी बड़ी होती रही, तो फिर मुझे ड्राइंग का, पेंटिंग का शौक होता था। उसके अलावा ना मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे ये बात बताओ, पाँव तुम्हारे यूं है ना, यूं है, अब इसको यूं भी रखते हैं, गाड़ी कभी चलाइए? ठीक है, गाड़ी चलाइए। हाँ, यूं के बाद यूं पाँव कब आता है? ऑटो नहीं, जब ब्रेक लगाना होता है तो ब्रेक लगाओ। बट एनी वेज, हाँ, इतना तुमने मुझे एक जर्नी बता दी, मैं सोच रही थी। खैर, दैट्स गुड, अच्छी बात है।